स्थान की प्रधानता है। आप गिरिराज जी जाते हैं तो वहाँ गोवर्धन की प्रधानता है, वृंदावन जाते हैं तो वहाँ के बिहारी जी की प्रधानता है, अयोध्या में आप जाते हैं तो राम जी की प्रधानता है, जगन्नाथ जी जाते हैं जगन्नाथ जी की प्रधानता है, रामेश्वरम जाते हैं तो रामेश्वरम की प्रधानता है, आप द्वारिका जी जाते हैं तो द्वारिकाधीश की प्रधानता है, बद्रीनाथ जाते हैं तो बद्रीनाथ की प्रधानता है। जहाँ स्थान की प्रधानता होती है वह श्रेष्ठ होता है, वैसे परमात्मा सब जगह वासुदेव सर्वमिति। सियाराम में शब्द कहना बड़ा आसान है पर उस सोच तक पहुंचने के लिए बहुत वक्त लगता है, बहुत वक्त, इतना वक्त लगता है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये भाव कब होगा, जब भाव कब बनता है, जब अनावृत आप संत के संग रहकर सत्संग का अनुगमन करो, और अनुगमन कब होता है बोले जब संत का संग होता है। अब आज आप देखें यदा कदा संत मिलता है, और संत मिलता है तो सत्संग नहीं मिलता, सत्संग मिलता है तो संत नहीं मिलता। अब जब संत और सत्संग नहीं तो सदमति कैसे आएगी, सदमति मनुष्य में आती तब है जब सत्संग होता है। आज हमारे पास ना सत्संग नहीं है, सब कुछ है क्या नहीं है, आज सब कुछ है क्या नहीं है, संत नहीं है। क्या बात, हमारे पास सब है पर दो चीज नहीं है, संत नहीं और सब कुछ है, घर है मकान है कपड़ा है ज्वेलरी है गाड़ी है पान है बेटा है बेटी है पोता है पोती है नाती है पंती है संती है प्रतिष्ठा है सम्मान है पद है पर क्या नहीं है, संत नहीं है और सत्संग नहीं है। ये सारे जो संसाधन है आपको सुख प्रदान कर सकते हैं, सम्मान प्रदान कर सकते हैं पर आपको शांति और सदगति नहीं दे सकते।